11.4.3 अधातुओं के ऑक्साइड की प्रकृति, नेचर ऑफ नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स। क्रियाकलाप एक, एक उद्दहन चम्मच में थोड़ा सा सल्फर का चूर्ण लीजिए और उसे गर्म कीजिए। जब सल्फर जलने लगे तो चम्मच को कांच के गैस जार या गिलास में रख दें और उसे दिए गए चित्र के अनुसार इस प्रकार ढक दें कि बन रही गैस उसमें एकत्रित हो जाए। कुछ समय बाद चम्मच निकालकर गैस जार में थोड़ा सा जल डालें और उसे तुरंत ढक दें। अब गिलास को हिलाएं और बने विलयन का परीक्षण लाल और नीले लिटमस पेपर से करें। किस लिटमस पेपर के रंग में किस प्रकार का अंतर दिखा? बच्चों, इसके पहले आप धातुओं के ऑक्साइडों की प्रकृति के बारे में जान चुके हैं। जब आपने मैग्नीशियम रिबन का दहन किया था तो देखा था कि उसकी प्रकृति क्षारीय थी। आज हम अधातुओं के ऑक्साइडों की प्रकृति के बारे में जानेंगे। तो इसके लिए मैंने अधातु सल्फर लिया है। अब मैं इसको स्पैटुला में लेकर इसका दहन करूंगी और फिर देखेंगे कि इसकी प्रकृति कैसी है। तो सबसे पहले मैं इस स्प्रिट लैंप को जला लेती हूँ। अब मैं इस स्पैटुला में सल्फर के कुछ टुकड़े ले लेती हूँ और इसका दहन करते हैं। देखिए, ये जलने लगा है। अब मैं इसे इस गैस जार के अंदर डाल देती हूँ। और इसे तुरंत वॉच ग्लास से ढक देते हैं। बच्चों, आपको इसके अंदर गैस निकलती हुई दिखाई दे रही है। जानते हैं ये गैस कौन सी गैस है? बच्चों, जब हमने सल्फर का दहन किया तो इसने वातावरण के ऑक्सीजन के साथ क्रिया की और अपने ऑक्साइड सल्फर डाइऑक्साइड में परिवर्तित हो गया। ये जो गैस है वो सल्फर डाइऑक्साइड है। देखिए, इसके अंदर काफी सल्फर डाइऑक्साइड गैस एकत्रित हो रही है। अब इसमें मैं ये पानी डाल देती हूँ और इसे हम अच्छी तरह से हिला देते हैं ताकि सारी सल्फर डाइऑक्साइड गैस इस पानी में घुल जाए। देखिए, इसमें काफी सल्फर डाइऑक्साइड गैस दिखाई दे रही है। अब इस पानी को मैं इस पेट्री डिश में पलट देती हूँ। बच्चों, आप सोच सकते हो यहाँ पर कौन सी अभिक्रिया हुई होगी। अब मैं इस लिटमस पेपर को इस पानी में डालकर देखती हूँ। बच्चों, आप देख रहे हो ये नीला लिटमस पेपर लाल हो गया, यानी कि इसकी प्रकृति अम्लीय है। तो आप अब समझ गए होंगे कि सल्फर की जब ऑक्सीजन के साथ क्रिया हुई तो सल्फर डाइऑक्साइड गैस बनी, और जब हमने इसे पानी में घोल लिया तो ये सल्फर डाइऑक्साइड पानी से क्रिया करके सल्फ्यूरिक एसिड में परिवर्तित हो गई। और इस पानी का अम्लीय स्वभाव ये दर्शाता है कि ये जो सल्फर है इनके ऑक्साइड अम्लीय प्रकृति के होते हैं। सावधानी, यह क्रियाकलाप ऐसे स्थान पर करें जहां हवा का प्रवाह उचित हो, क्योंकि सल्फर डाइऑक्साइड गैस हमारे शरीर को नुकसान पहुंचाती है।